गुड इवनिंग फ्रेंड्स और वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रोशन और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल रोशन बाबा ऑफिशियली। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जैसे कि हमारे कमेंट बॉक्स में दो कमेंट थी जो कि काफी न्यू क्रिएटर और यूट्यूब के नए यूट्यूबर के लिए काफी हेल्पफुल होगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहला टॉपिक जो था दोस्तों, जो कमेंट में मैंने पढ़ा था कि पब्लिक में अगर ब्लॉगिंग से रिलेटिव था कि जो ब्लॉगिंग करते हैं स्टार्टिंग में उनको पब्लिक, जैसे पब्लिक प्लेस में वीडियो बनाने से थोड़ा सा हेजिटेशन होता है और थोड़ा डर लगता है, तो इस हेजिटेशन को कैसे निकाले। और सेकेंड जो टॉपिक था कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बनाए, और बैड कमेंट अगर मैं वीडियो डालता हूँ स्टार्टिंग के दिनों में तो बहुत सारे बैड कमेंट आते हैं, खास करके अपने रिलेटिव फ्रेंड्स चाहे अदर पर्सन का भी, तो उससे कैसे बचा जाए और उसको कैसे फेस करें। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि दोस्तों सबसे पहले कि कैमरा को आप कैसे फेस करें, और पब्लिक प्लेस में अगर ब्लॉगर बनना चाहते हो तो इस प्रॉब्लम से आप कैसे लोगों के सामने भी बेझिझक अपनी बातों पे रखें, और जिस भी टॉपिक पे आप बात करो बस करते जाओ। तो सबसे पहले बता दूंगी दोस्तों, स्टार्टिंग के दिनों में आपको काफी ये सब चीज फेस करना होगा। अब जैसे जैसे इस काम को करोगे और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा इस फील्ड से, और सबसे पहले अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो किसी भी प्लेस पे आप जाते हो, तो एटलीस्ट उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठा कर लो, उसके बारे में जान लो। इससे क्या होगा कि अगर आप अच्छे से जान लोगे, अगर आप उस प्लेस के बारे में आप अच्छे से पढ़े हुए रहोगे तो उस कैमरा के सामने आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। और ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के दिनों में हर किसी के साथ प्रॉब्लम होती है। अब जितने भी यूट्यूबर है उनके भी पहले के वीडियो उठा के आप देख सकते हो, चाहे मेरी भी आप स्टार्टिंग के वीडियो देख लो, कि मैं स्टार्टिंग में बता नहीं सकता हूं कि दोस्तों मैं भी एक मिनट भी नहीं बोल पाता था। एक मिनट तो दूर कैमरा के सामने आते ही सारा कुछ ब्लैंक हो जाता है। तो ये करते करते आपको चीजें कोई आएगी, जैसे आप स्टडी करते हो सेम चीज आपको यहाँ भी करना है, अपने डेडिकेशन और पैशन के साथ आगे बढ़ना है। और स्टार्टिंग के दिन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, हाँ जितना ज्यादा आप काम करोगे मेरे सिर्फ उतना ज्यादा आपका स्किल इंप्रूव होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, कैमरे के सामने कैसे बात किया जाता है, ये सब इंप्रूव होगी। डे वाइज डे अपने वीडियो को देखो, अगर आप एक ब्लॉगिंग ब्लॉग बनाते हो, चाहे आप किसी भी कंटेंट का आपका चैनल उस टॉपिक पे आप बात करते हो, तो एटलीस्ट उस वीडियो को बार बार देखें, एक बार नहीं बार बार, कम से कम दो से तीन बार वीडियो देखें और देखें कि उस वीडियो में क्या गलती है और उस नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करने की कोशिश करें। क्योंकि जितना ज्यादा आप वीडियो को अपने वीडियो को आप देखोगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सिर्फ अपने वीडियो बनाया और अपलोड कर दिए, नहीं, अपने वीडियो को एटलीस्ट पहले देख लें, एक से दो बार देख लो। उससे क्या होगा कि आपका नेक्स्ट आप जो भी वीडियो बनाओगे वो आपकी प्रॉब्लम जो भी खामियां होगी उसे आप इंप्रूव कर सकते हो। और सेकेंड थिंग है कि बैड कमेंट से कैसे बचे और अपने फैमिली में कैसे, मतलब स्टार्टिंग में लोग को वीडियो पे अपलोड करने में थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, अगर यूट्यूब पे कोई भी आते हैं, ऐसा नहीं था हालांकि अब तो बहुत ज्यादा, स्टार्टिंग जब हम लोग स्टार्ट किए थे, हम भी जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं बता नहीं सकता हूँ दोस्तों, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं भी काफी डरता था, मैं वीडियो शेयर करके डिलीट कर लेता था कि क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे, फिर सोचा कि धीरे धीरे नॉलेज, देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि दोस्तों आपके फैमिली है चाहे आपके फ्रेंड है उनकी भी गलती नहीं है, और चाहे आपके आसपास के लोग है, स्टार्टिंग में सडनली से आप कुछ अलग करोगे ना तो लोगों को समझ में नहीं आता, और जो चीज जो लोग आपको जो समझेंगे वो इस विषय में तो आपको डिमोटिवेट नहीं करेगा, वो आपको मोटिवेट करेंगे। अगर मान लो कि अगर आप किसी भी फील्ड से हो, एजुकेशन से हो, आप एजुकेशन में आप किसी भी सब्जेक्ट में आप एक जाहिल को ले लो, आप जो एजुकेटेड पर्सन के हो ले लो, तो अगर आप एजुकेशन के बात उनके सामने करोगे तो जाहिर सी बात है कि वो आपको डिमोटिवेट ही करेंगे। तो यही रीजन है कि आप स्टार्टिंग में अगर यूट्यूब पे अगर अपने वीडियो को अपलोड करते हो तो उनको नहीं मालूम है कि इस फील्ड से क्या मिलने वाला है और इस फील्ड से क्या क्या चीजें हैं, कंटेंट क्रिएटिंग क्या है, यूट्यूब क्या है, मोनेटाइजेशन क्या है। तो स्टार्टिंग के दिनों में वो नहीं, अभी तक मुझे भी फेस करना पड़ता है, आप तो दूर की बात हो, अभी तक मुझे, हालांकि बहुत हद तक तो अब कुछ लोग समझने लगे हैं, बट स्टार्टिंग के दिनों में मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ा था। और ऐसा नहीं है, इसी यही आपका देखिए दोस्तों, इसी चीज से अगर आप बाहर निकल गए तो डैट मीन्स कि आप यूट्यूब पे आपको सक्सेस होने से और सफल होने से आपका जिस कैटेगरी का भी चैनल है आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर कमेंट बॉक्स में आपका ज्यादा बैड कमेंट आ रहा है, कोई अब्यूज कर रहा है, तो उसको सिंपली कुछ नहीं करना है दोस्तों, उसको रिप्लाई ही मत करो। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है कि अगर आप कोई भी आपके कमेंट पे किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर आप वीडियो अपलोड करते हो
और आपका उस कमेंट में अब्यूज करते हैं, अगर गाली देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस कमेंट के साथ लड़ने लगते हैं, उसको इग्नोर करो। लाइफ में दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज है कि हमको इग्नोर करनी चाहिए। अगर आप जान रहे हो कि आपका कंटेंट अच्छा है जो भी हो, अगर जिनको समझ नहीं होगी वो दैट मींस कि कुछ लोगों का क्रिटिसाइज करने का कामी है, तो उनको माइंड से निकालो, इग्नोर करो और बस अपने प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ते जाओ और बस अपने काम पे फोकस करो। और क्या लोग बोलते हैं आपके फैमिली को समझाओ, अगर कोई फैमिली नहीं मानते हो फिर क्रिएटर को क्या होता? किस फील्ड में, मेरे से भी सुनने को, मेरे फैमिली में कोई नहीं जानता था कि यूट्यूब क्या होता है सर, बट अब धीरे धीरे लोगों समझने लगे हैं, तो समझने लगते हैं दोस्तों। आपको अपने फैमिली को चाहे अपने दोस्तों को समझाना पड़ेगा, और जो नहीं समझते उनको इग्नोर कर दो, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है कि क्या है, जिस चीज के बारे में समझ ही नहीं है तो वो कैसे बात करेंगे उस, तो आपको तो डिमोटिवेट ही करेंगे ना, मोटिवेट नहीं करेंगे। मोटिवेट कर, इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप जिस फील्ड से हो, कोशिश करो वैसे एक दोस्तों बनाने के एटलीस्ट कि वो आपके बातों को समझे। और जहां भी प्रॉब्लम हो, अगर यूट्यूब पे आप चाहे क्रिएटर बनना चाहते हो, चाहे वीडियो क्रिएटर बनना चाहते हो, यूट्यूबर इन्फ्लुएंस बनना चाहते हो, तो डेट मीन्स वैसा भी दोस्त भी आप एटलीस्ट एक दो दोस्त बना लो, ताकि उनसे अपने प्रॉब्लम को शेयर करो, बातों को शेयर करो। और बाकी तो मैं ही हूं ही, हालांकि एक दो ये कमेंट पहले भी मैंने देखा था, इसका पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था, बट सोचा कि फिर से कमेंट आई तो मैं सोचा थोड़ा टाइम निकाल के ऑफिस से मैं छूटा ही था और फाइनली कुछ काम से आया था, तो मैं सोचा कि आप लोग से थोड़ा बात कर लूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझे होंगे। और बैड कमेंट आती है तो बेझिझक दोस्तों उनको इग्नोर करो, उनका कोई रिप्लाई ही नहीं दो। और पब्लिक प्रॉब्लम जो होता है कि पब्लिक के सामने कैमरा फेस करने में प्रॉब्लम होती है, तो स्टार्टिंग के दिनों में हर किसी के साथ होती है। आप जैसे जैसे काम करोगे, अपने आप को इम्प्रूव करोगे, करते जाओ, इतना काम करो कि मतलब आप इतना ज्यादा इम्प्रूव कर लो अपने आप को कि मतलब स्टार्टिंग जो आपको मजाक उड़ाते थे, एक दिन ऐसा भी होता है दोस्तों जो आपके मजाक स्टार्टिंग के दिनों में उड़ाएंगे, वही आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। तो बस अपने काम पे फोकस करो और लगे रहो इस फील्ड में। और मेरे से जितना हेल्प चाहिए बस अपना कमेंट बॉक्स में, किसी तरह का अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन हमसे करना तो अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। और चाहते हैं कि मेरी वीडियो आपको बहुत जल्द मिले, तो मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली में शेयर करें, ताकि इसी तरह के यूट्यूब से रिलेटिव वीडियो में आप लोग के बीच लाता रहूं। हमारा जो वीडियो है मिक्स कंटेंट है दोस्तों, कोई फिक्स कंटेंट पे नहीं है, जैसा कि यूट्यूब ट्यूटोरियल, ब्लॉग वीडियो, इंटरव्यू वीडियो, आपके सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो और अभी तक मेरे चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को निशान को प्रेस कर दे, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, धन्यवाद। हो गया जी, लाओ इधर।